नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा लामरू, सहायक आचार्य इतिहास। आज का विषय है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। विद्यार्थियों, इससे पहले के दो वीडियो में हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की असफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का अपने उपनिवेशों के हाथों पराजित होना एक आश्चर्यजनक घटना थी, क्योंकि उस समय इंग्लैंड को एक अजेय शक्ति माना जाता था और दूसरी तरफ उनकी तुलना में अमेरिकी उपनिवेशों का पक्ष काफी कमजोर था। इंग्लैंड उस समय एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था, उसके पास एक अजेय सेना, जलसेना थी, आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, प्रशिक्षित सेना थी, अनुभवी सेनानायक थे और लगभग सभी सामरिक स्थानों पर अंग्रेज छावनियां थी। और वहीं दूसरी ओर हम अमेरिकी उपनिवेशों की बात करें तो उनकी सेना बहुत छोटी थी, कभी भी वो युद्ध भूमि में 4,000 हथियारबंद सिपाहियों से अधिक नहीं जुटा पाए थे। अमेरिकियों के पास हथियार तथा गोला बारूद की भी कमी थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके पास पहनने तक को भी वस्त्र नहीं थे। और कुछ कई सैनिक तो अमेरिका के ऐसे थे जिनके पैरों में जूते तक नहीं थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी इंग्लैंड को पराजय का सामना करना पड़ा और अमेरिका को जीत हासिल हुई। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अंग्रेजों की असफलता के क्या कारण थे। तो पहला कारण था उपनिवेशों की शक्ति का गलत अनुमान लगाना। इंग्लैंड की युद्ध नीति तय करने वालों ने अमेरिकी शक्ति का ठीक ढंग से अनुमान नहीं लगाया। उन्हें अपनी शक्ति पर ज्यादा भरोसा था। जनरल गेज, जो कि इंग्लैंड के सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने लंदन को एक रिपोर्ट भेजी थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि अमेरिकी उपनिवेशों को जीतने के लिए हमें केवल 4 रेजिमेंट ही हमें पर्याप्त होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिकी उपनिवेशों की शक्ति का इंग्लैंड द्वारा ठीक ढंग से अनुमान नहीं लगाया गया। दूसरा कारण था कि इंग्लैंड का एक वर्ग ऐसा था जिसकी सहानुभूति उपनिवेशों के साथ थी। इसमें हम कुछ जो विग नेता थे जैसे विलियम पिट, एडमंड बर्क, चार्ल्स फॉक, ये लोग अमेरिकियों के साथ में थे। इसके अलावा अंग्रेज सेना के कई सिपाही भी ऐसे थे जो अमेरिकी पक्ष को सही मानते थे, अतः उन्होंने इस युद्ध में उस भावना से काम नहीं किया जो कि आमतौर पर सैनिक दुश्मन के प्रति रखते हैं। इंग्लैंड के व्यापारी भी अमेरिका से युद्ध किए जाने के पक्ष में नहीं थे। तीसरा कारण है इंग्लैंड और अमेरिका की दूरी। इंग्लैंड से अमेरिका 3,000 मील की दूरी पर था। यातायात के साधनों के अभाव के कारण इस दूरी को और अधिक बढ़ाया, जिससे सैनिक सहायता पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया था। स्थिति और कठिन उस समय हो गई जब फ्रांस एवं स्पेन की नौसेनाओं ने अटलांटिक महासागर पर अंग्रेजी रसद पूर्ति रेखा को भंग कर दिया। स्थल पर भी अंग्रेजी सेना स्थानीय सहयोग के अभाव में काफी बड़ी कठिनाई में पड़ गई थी और इसके अलावा युद्ध के केंद्र भी लगभग 1,000 मील के घेरे में फैले हुए थे। उपनिवेशवासी अपनी धरती की भौगोलिक स्थिति से पूर्ण परिचित थे, इसलिए युद्ध के दौरान उन्हें किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं अंग्रेज विदेश में लड़ रहे थे। अगला कारण है जॉर्ज वॉशिंगटन का कुशल नेतृत्व।
जॉर्ज वॉशिंगटन के योग्य एवं कुशल नेतृत्व ने भी अमेरिकी उपनिवेशवासियों की सफलता में योगदान दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन अपनी निष्ठायुक्त देशभक्ति, गंभीरता, बुद्धिमानी और नैतिक साहस के कारण इस युद्ध में एक प्रेरणा स्रोत बन गए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना धैर्य, दृढ़ता और विवेक को नहीं खोया। अपनी अखंड निष्ठा, उत्साह और शालीनता के कारण अंतिम विजय उनकी हुई। वे समय पर कार्यवाही करने में दक्ष थे। अपनी धैर्य निष्ठा के कारण ही उनको रेफेवियस की उपाधि मिली थी। वे अपनी सेना का संचालन बड़ी सख्ती और अनुशासन से करते थे और सेना अपराधों पर वे कड़ी सजा देते थे, लेकिन वे अपने व्यक्तियों के प्रति न्याय एवं स्नेह दर्शाकर उनकी संपूर्ण वफादारी भी प्राप्त कर लेते थे। वॉशिंगटन उच्च लक्ष्य रखने वाले चरित्रवान नेता थे, जिसने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी अमेरिकी क्रांति का सफल नेतृत्व किया, और जो उपनिवेशवासियों का उनमें दृढ़ विश्वास था। अपने कुशल सैनिक नेतृत्व से जॉर्ज वॉशिंगटन ने राष्ट्र के आत्मविश्वास को बनाए रखा। जब कभी भी ऐसा लगा कि अमेरिकी इंग्लैंड के सामने हारने वाले हैं, उसी समय जॉर्ज वॉशिंगटन ने सेना में इतना साहस भर दिया कि परिस्थितियां उनके अनुकूल हो गई और अंत में विजयश्री अमेरिका को ही मिली। इतिहासकार रैमसे म्यूर ने भी जॉर्ज वॉशिंगटन के कुशल नेतृत्व का समर्थन करते हुए लिखा है कि उनके नेतृत्व में उपनिवेशवासियों के मन में विश्वास तथा साहस उत्पन्न कर दिया था, जिसके कारण उन्हें इस महान किंतु दुष्कर संघर्ष में अंतिम विजय प्राप्त हुई। अगला कारण है अंग्रेजी सेना की भूलें। उपनिवेशवासियों की सफलता के कारणों में इंग्लैंड के सेना नायकों तथा सैनिकों का भी बड़ा योगदान रहा। उपनिवेशों में लड़ रही सेना में भर्ती किए गए यूरोप के भाड़े के सिपाहियों से कोई आशा नहीं की जा सकती थी। अंग्रेज सेना नायकों ने भी अनेक भूलें की। हो तथा बुरगोयन अंग्रेजी सेना नायक थे और ये बड़े ही आराम तलब सेना नायक थे। उन्होंने अनेक बार हाथ में आए अवसरों को खोया और कभी भी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, और जिसका सीधा सीधा परिणाम ये हुआ कि अमेरिकी उपनिवेशों को अंत में जीत प्राप्त हुई। अगला कारण है फ्रांस का उपनिवेशों के पक्ष में लड़ना। फ्रांस ने इस युद्ध में खुले रूप से उपनिवेशों का साथ दिया, जिसके कारण से उपनिवेशों का पक्ष काफी मजबूत हो गया। बाद में स्पेन, हॉलैंड और उपनिवेशों की सहायता की वजह से इंग्लैंड की जलसेना को काफी नुकसान पहुंचा और इंग्लैंड के लिए अमेरिका स्थित अपनी सेनाओं को सामान पहुंचाना बहुत अधिक कठिन हो गया। फ्रांसीसियों के सहयोग से ही जॉर्ज वॉशिंगटन ने यॉर्कटाउन में अंग्रेजी सेना अध्यक्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया। और अगला कारण है अमेरिकी सेना द्वारा छापामार युद्ध प्रणाली अपनाना। अंग्रेजी सेना छापामार युद्ध से निपटने के लिए योग्य नहीं थी और अमेरिकी युद्ध
जो लड़ा गया था मुख्य रूप से इसी पद्धति से लड़ा गया था। और जॉर्ज वाशिंगटन को इस छापामार युद्ध प्रणाली में केवल अपने कुछ सामरिक केंद्रों की सुरक्षा करनी पड़ी, जबकि जबकि कॉर्नवालिस तथा हो को तो पूरे महाद्वीप को जीतना था। तो इस अमेरिकी सेना द्वारा जो छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया गया, उसकी वजह से भी अंत में विजय अमेरिकी उपनिवेशों को ही मिली। और इसके अतिरिक्त तो जॉर्ज तृतीय की अलोकप्रियता तथा ग्रीनविले एवं टाउनशेंड जैसे मंत्रियों की गलत नीतियों की वजह से भी अंग्रेजों को असफलता हाथ लगी। धन्यवाद।